हेलो दोस्तों, आज स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल AK एग्रीकल्चर क्लासेस पर। आज हम लेकर आए हैं BSc एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के प्रॉब्लमेटिक सोयल एंड देयर मैनेजमेंट के पेपर का सलूशन। तो आप लोग अपना पेपर जल्दी से मिला लीजिए। आज की हमारी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है थी, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पीएच शब्द को प्रतिपादित किया, तो पीएच शब्द को सोरेनसन ने प्रतिपादित किया है। अगला क्वेश्चन हमारा दो नंबर है, जब पीओएच का सांद्रण 1×10⁻⁵ है तो पीएच मान होगा, तो इसका पीएच मान 5 होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा तीन नंबर है, विनिमयशील सोडियम बटे धनायन विनिमय क्षमता 100 सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है, तो इससे ESP ज्ञात की जा सकती है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर चार है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, गेहूं। इसमें पीएच 4 से 5 नहीं होता है, इसमें इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा पाँच नंबर, निम्नलिखित में से सबसे अधिक लवण प्रतिरोधक क्षमता वाली फसल है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कपास सबसे अधिक लवणता वाली लवण प्रतिरोधक क्षमता वाली फसल है। अगला क्वेश्चन हमारा छः नंबर है, अम्ल वर्षा का कारण है, तो अम्ल वर्षा का कारण कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी गैसें। अगला क्वेश्चन हमारा सात नंबर है, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में सिंचाई की सही विधि है, तो ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में सिंचाई की सही बौछारी सिंचाई है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर आठ, मृदा कणों के विकरणी पिंडन के लिए आवश्यक तत्व है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सोडियम। अगला क्वेश्चन है हमारा नौ नंबर, जलमग्नता को कैसे रोका जा सकता है, तो जलमग्नता को मृदा संचार को सुधारकर मेढ़ों में पौधों को लगाकर चारों तरफ बड़े वृक्षों को लगाकर उपयुक्त सभी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है, तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुष्क मृदाएँ पाई जाती हैं, तो शुष्क मृदाएँ LD सोल में पाई जाती हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर हमें अभी तक मिला नहीं है, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बिना बुझा हुआ चूना, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, एसिड सल्फेट मृदा को इस रूप से जाना जाता है, तो उसे कैट क्ले के रूप में जाना जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है, लवणीय मृदाओं में पाया जाता है, तो लवणीय मृदाओं में कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड एवं सल्फेट पाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर, जिप्सम की मांग को के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, तो इसे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, विनिमयशील सोडियम प्रतिशत प्रारंभिक माइनस विनिमयशील सोडियम प्रतिशत अंतिम बटे धनायन विनिमय क्षमता 100, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर, CSSRI स्थापित किया गया, तो CSSRI 1969 में स्थापित किया गया, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग योजना ब्यूरो का मुख्यालय स्थापित है, तो इसका मुख्यालय नागपुर में स्थापित है, अगला क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर है, शुद्ध पानी का पीएच होता है, तो शुद्ध पानी का पीएच 7 होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर है, शुद्ध पानी का रंग होता है, तो शुद्ध पानी का रंग रंगहीन होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 21 नंबर है, सिंचाई जल की विद्युत चालकता होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1 dSm-1 से कम। अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर,
ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो यह नाइट्रेट का विषैलापन के कारण होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जलमग्नता का प्रभाव है, तो जलमग्नता का प्रभाव वायु संचार का खराब होना, मृदा ताप का गिरना, पोषक तत्वों का निचालन, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा 24 नंबर है, लवणों की सफ़ेद परतें मुख्यतः किस मृदा में पाई जाती हैं? क्या लवणीय मृदा में पाई जाती हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 25 नंबर, मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कहलाता है, तो यह सोयल इरोजन कहलाता है, मृदा क्षरण, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर, एच प्लस सांद्रण के व्युत्क्रम लघुकणक को जाना जाता है, तो इसे पीएच के नाम से जाना जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर, SAR किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो यह इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, NA+√CA++MG++2, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 28 नंबर, विद्युत चालकता को मापने की इकाई है, तो विद्युत चालकता को मापने की इकाई मिली मोज प्रति सेंटीमीटर होती है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 29 नंबर, पीएच ज्ञात करने की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो पीएच ज्ञात करने की रंगमापी विधि, ग्लास इलेक्ट्रोड विधि, प्रमाणित प्रत्यारोध विलयन विधि, इसकी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लाल मृदाएँ पाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, झांसी, हमीरपुर तीनों जिले में लाल मृदाएँ पाई जाती हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा 31 नंबर है, अम्लीय मृदाओं का पीएच होता है, तो अम्लीय मृदाओं का पीएच होता है 7 से कम। अगला क्वेश्चन हमारा है 32 नंबर, अम्लीय मृदाओं में निम्नलिखित आयनों में से किसकी अधिक मात्रा नहीं पाई जाती है? तो इसकी Mg++ की अधिक मात्रा नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा 33 नंबर है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन भूमि सुधारक के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं? इसमें जिप्सम, पायराइड, चूना तीनों भूमि सुधारक के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर, चूना को किस मृदा के भूमि सुधार में प्रयोग करते हैं? तो चूना को अम्लीय मृदा के भूमि सुधार के रूप में प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 35 नंबर, निम्नलिखित उर्वरकों में से कौन सा मृदा में अम्लीयता उत्पन्न करता है? तो यह यूरिया उत्पन्न करता है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 36 नंबर, भारत में सर्वप्रथम कौन सा उर्वरक बना? तो भारत में सर्वप्रथम SSP बना, सिंगल सुपर फास्फेट, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 37 नंबर है, रॉक फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, तो इसमें 20-40% फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 38 नंबर, विनाइट्रीकरण प्रक्रिया है, तो विनाइट्रीकरण प्रक्रिया अवकरण की प्रक्रिया है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 39 नंबर, नाइट्रीकरण प्रक्रिया किस मौसम में तीव्र होती है? तो यह ग्रीष्म ऋतु में तीव्र होती है। अगला क्वेश्चन हमारा 40 नंबर है, कार्बनिक पदार्थ किससे ज्ञात किया जाता है? तो कार्बनिक पदार्थ O(C)(1.724) से ज्ञात किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 41 नंबर है, लवणीय मृदा को जाना जाता है, तो लवणीय मृदा को सोलन चाक के नाम से जाना जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 42 नंबर, मृदा का काला रंग किस कारण से होता है? तो मृदा का काला रंग कार्बनिक पदार्थ के कारण होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, चूने की मांग शब्द को प्रतिपादित किया, तो चूने की मांग शब्द को सुमेकर व अन्य ने प्रतिपादित किया, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय मृदाओं का पीएच क्या होता है? तो राष्ट्रीय मृदाओं का पीएच 8.5 से अधिक होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार की मृदा अम्लता को मृदा पीएच में मापा जाता है? तो जल अम्लता को मृदा पीएच में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर, मृदा क्षरण के कारण होता है? तो मृदा क्षरण तीव्र शहरीकरण, अधिक चराई, पौधों का कटना, इन सब के कारण होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47 से, अवनलिका क्षरण वृहद रूप है,
तो यह अंतः नलिका छंद का वृहद रूप है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 48 नंबर, निम्नलिखित कारकों में से कौन मृदा क्षरण को बढ़ावा देता है? तो इसमें जल, वायु, ग्लेशियर तीनों मृदा क्षरण को बढ़ावा देते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित फसलों में कौन मृदा क्षरण को रोकने में सबसे अधिक प्रभावकारी है? तो इसमें हरा चना सबसे अधिक प्रभावकारी, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 50 नंबर है, परत क्षरण के कारण होता है, तो परत क्षरण अधिक वर्षा के कारण होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 51 नंबर, 5 जून को मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 52 नंबर, अवनलिका को किसके द्वारा हटाया जाता है? तो अवनलिका को समतलीकरण के द्वारा हटाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 53 नंबर, जल क्षरण का सही क्रम है, तो जल क्षरण का सही क्रम है वर्षा, बूंद, परत, नलिका, अवनलिका, क्षरण, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 54 नंबर, वायु क्षरण अधिक होता है, तो वायु क्षरण खाली बलुई मृदा में अधिक होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 55 नंबर, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक समस्याग्रस्त मृदाएं पाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गुजरात में सबसे अधिक समस्याग्रस्त मृदाएं पाई जाती हैं गुजरात में। अगला क्वेश्चन हमारा 56 नंबर है, जलमग्नता के कारण होती है, तो जलमग्नता अधिक वर्षा, खराब जल निकास, उच्च जल स्तर, उपयुक्त सभी के कारण होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है 57 नंबर, शुष्क मृदाएं पाई जाती हैं, तो शुष्क मृदाएं शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वायु क्षरण का प्रकार नहीं है? तो इसका बहिर्वेधन वायु क्षरण का प्रकार नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 59 नंबर, मृदा उपयोगिता वर्गीकरण के अनुसार कृषि कार्य के लिए कौन सा वर्ग अनुपयोगी है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 5 से 8 अनुपयोगी है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 60 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, लवण प्रतिरोधी फसल है, तो लवण प्रतिरोधी फसल जौ होती है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऐसे ही पेपर का सलूशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।